अजीज तलबा होता हमारे बाद हम लोग ऑप्शनल फर्स्ट गजल और चाहे गजल के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे। हमने पिछले बाब में गजल की तारीफ मफहूम हैयत के मुताबिक से मुख्तसर गुफ्तगू की थी। हमने गजल की तारीफ देखी और गजल के मफहूम को भी हमने तफसीलन मौजूए बहस बनाया था। आइए आज के इस बाब में हम गजल की हैयत इस उनवान पर गुफ्तगू करेंगे। शामिल निसाब अनावीन में एक मौजू हमारा गजल की हैयत भी है। सवालिया पर्चे में आपको गजल के तारीफ आपको सवाल पूछा जा सकता है कि गजल की तारीफ और मफहूम बयान करते हुए गजल की हैयत से शेर हासिल बहस कीजिए या गजल की हैयत पर से गुफ्तगू कीजिए या गजल की हैयत पर रोशनी डालिए। तो बहरहाल एक सवालिया पर्चे और गजल के उनवान को पेश नजर रखते हुए बहुत अहम मौजू है कि गजल होती क्या है, गजल लिखी कैसी जाती है, गजल की हैयत क्या होती है, कितने अशार होते हैं गजल के अंदर या गजल का फॉर्म किस तरीके से है। ये सारे सवाल के जब असनाफ शेरी का जिक्र हो असनाफ शेरी का जिक्र हो तो हमको जहन में आता है कि शेर शायरी असनाफ का तारुफ है। अब शेर नजम का भी हो सकता है, शेर गजल का भी हो सकता है, शेर कसीदे का भी हो सकता है, शेर मरसिए का भी हो सकता है, शेर मसनवी का भी हो सकता है। लेकिन ये शेर गजल का है, मरसिए का है, मसनवी का है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाएगी कि ये किस सिंफ का शेर है। तो हर स्नापे शायरी की एक अपनी खसूसियत है, फनी एतबार से, मौजूआती एतबार से हर स्नापे शायरी एक दूसरे से जुदा है। गजल के अपने मौजूआत है जो गजल को इंफरादी बख्शती है, गजल की अपनी हैयत है जो दिगर असनाफ शेरी से गजल को जुदा करती है। तो इसलिए आइए वो कौन सी गजल की हैयत है जो दिगर असनाफ शेरी से गजल को मुख्तलिफ करती है और जिस फॉर्म में जिस हैयत में गजल लिखी जाती है और उसको पढ़ने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गजल है और ये गजल नहीं है। तो अजीज तलबा आइए इस उनवान के पेश नजर हम गजल की हैयत के गजल लिखी किस तरीके से जाती है, गजल में कितने अशार होते हैं, गजल का पहला शेर क्या कहलाता है, गजल का दूसरा शेर क्या कहलाता है, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तारुफ पेश करता है उसे क्या कहते हैं, या गजल में काफिया और रदीफ क्या होते हैं और काफिया और रदीफ का इल्तिजाम कैसे होता है, गजल में वजन का क्या रोल है और बहरें क्या होती हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक गजल की हैयत का तायुन करते हैं। तो आइए हम आज गजल की हैयत पर गुफ्तगू करेंगे। अजीज तलबा बताने बात गजल उर्दू शायरी की एक मकबूल तरीन सिंफ सुकून है और गजल दूसरे शेरी असनाफ में अपने मौजू और अपनी हैयत के एतबार से इनफरादियत रखती है। गजल का एक शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। अब वो मुकम्मल इकाई किस तरीके से होता है, दिगर असनाफ शेरी के अशआर को अगर हम देखते हैं तो हमको ये अंदाजा होता है कि दिगर असनाफ शेरी जिसमें मरसिया मसनवी कसीदा जो दिगर असनाफ शेरी हैं इनके अशआर का पहले शेर का दूसरे का तीसरे से यानी शेर उला से लेकर अखीर शेर तक एक तसलसल होता है और एक ही मजमून इन अशार के पेशे नजर बयान होता है। लेकिन गजल का शेर मौजूआती एतबार से एक मुकम्मल अकाई होता है। अब ये इसके क्या माना हुए मुकम्मल इकाई होते हैं कि गजल के शेर की मौजूआती एतबार से ये इम्तियाज है कि गजल के एक शेर में शायर अपनी पूरी मुकम्मल बात बयान कर जाता है। गजल के एक शेर को समझने के लिए दूसरे शेर की जरूरत नहीं होती,
बल्कि गजल के एक शेर में शायर पूरे एक मजमून को बांध लेता है, जिसको समझने के लिए उसके अगले या पीछे या पहले या आखिर के किसी शेर को और उसके तवाजुन में लाने के या उस शेर की वजाहत के लिए किसी दूसरी शेर की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि गजल के शायर की और गजल के शायर की कमाल ये है और गजल की शेर की खूबसूरती ये है कि एक ही शेर में शायर अपने पूरे मौजू को पूरे फनी लवाजिम के साथ पेश कर देता है, और गजल का एक शेर एक वक्त में मुकम्मल एक मौजू को बयान कर जाता है। इसलिए गजल के एक शेर को मुकम्मल इकाई कहा जाता है कि इसको समझने के लिए या इसके बयान के लिए किसी दूसरे शेर की या किसी इकाई की जरूरत महसूस नहीं होती। अजीज तलबा तालिबात, अभी जब बात समझ में आई कि गजल का एक शेर मौजूआत के एतबार से मुकम्मल इकाई होता है या गजल का एक शेर मुकम्मल इकाई होता है, तो फिर पूरी मुकम्मल गजल क्या होती है, कैसी होती है, कैसी लिखी जाती है, हमारी इस गुफ्तगू के अंदर हमारे दो फायदे होंगे। अगर आप जौक रखते हैं कि गजल लिखी किस तरीके से जानी चाहिए, आपको अंदाजा होगा कि आप ये समझते होंगे कि कई औकात में ऐसा होता है कि हम जब गुफ्तगू करते हैं तो कुछ मिसरे कुछ शेर या कुछ शेर का कुछ आधा हिस्सा हम लोग जबान जद है और हम बयान कर जाते हैं, और कभी कभी दूसरों की जुबान से अच्छे शेर अच्छी गजलें सुन के हमारे अंदर भी ये दाइया पैदा होता है, ये एहसास पैदा होता है कि कितनी अच्छी शायरी है, अगर ये शायरी मैं भी कर सकता तो कितना अच्छा था, गजल मैं भी लिख सकता तो कितना अच्छा था, या गजल के बयान मैं भी कर सकूं तो कितना अच्छा है। तो अजीज तलबा तालिबात, अगर ये आपका दाइया है या आपका जौक है, आप गजल लिखना चाहते हैं, आप शेर कहना चाहते हैं, गजल को समझना चाहते हैं, तो आइए इस बात के अंदर गजल की अहमियत के अंदर कि गजल लिखी किस तरीके से जा सकती है। आप पहले जहन में जहन नशीन कर लें कि किसी भी फन पारे के वजूद में आने के लिए उस तख्लीक कार के पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो एक वसी मुताला हो और दूसरा कलम पर चाबुक दस्ती हो। वसी मुताला यानी कि उसको किताबों का, समाज का, माशरे का गहराई से तजिया करने का उसके अंदर जज्बा हो। दूसरे ये कि कलम से इसके पास अल्फाज का जखीरा हो, इसको बात पर पेश करने का तरीका आता हो और अल्फाज के जखीरा हो। तो ये जिसके पास मुताला और अल्फाज का जखीरा हो उसको कि अपनी बात को बयान करने के लिए उस चाहे नसरी पैराए में बयान करें या शेरी पैराए में बयान करें, नसरी पैराए में और किसी भी असनाफ नसर का इंतखाब करें या शेरी पैराए में किसी भी असनाफ शेरी का इंतखाब करें, यह उसके मिजाज पर मुनहसर है। अगर आप अपने बयान को गजल की पैराए में पेश करना चाहते हैं, अच्छे मौजू शेयर करना चाहते हैं, तो आपको गजल के फॉर्म को कि गजल लिखी किस तरीके से जाती है और एक कामयाब गजल कौन सी हो सकती है, इसके क्या उसूल हैं और इसके अंदर किन किन चीजों का इल्तिजाम जरूरी है, आइए गजल की हैसियत के उनवान से आज हम इस मौजू को समझेंगे। अगर आप दिलचस्पी के साथ इस मौजू को अपने जहन नशीन करें और आपके पास अल्फाज का जखीरा है और आप अपने ख्यालात को गजल के पैराए में इजहार करना चाहते हैं, तो आज का यह लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अजीज तलबा तालिबात, गजल कम अज कम 5 अशार पर मुश्तमिल होती है। पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, कम अज कम 5 अशार पर गजल मुश्तमिल होती है, 5 से 7 अशार पर गजल मुश्तमिल होती है, और तवील गजलें भी लिखी गई हैं। ऐसा नहीं कि तवील गजल को गजल नहीं कहते या 5 या 7 अशार से ज्यादा शेर वाली किसी नज़्म को गजल नहीं कहते, बल्कि कहते हैं तवील गजलें भी कही गई हैं, लेकिन जो मकबूल आम वो खास हुई है वो 5 या 7 अशार पर लिखी जाने वाली गजलें हैं। तो आइए फिर गजल के एक एक फन की तरफ, गजल के एक एक इल्तिजाम की तरफ हम बढ़ते हैं। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। मैं यहां पर इन बयानात को कोट कर रहा हूं, इसके बाद हम एक एक उन्वान पर बहस करेंगे। गजल का दूसरा शेर जो हम काफिया वो हम रदीफ हो वो
हुस्ने मतला कहलाता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तारुफ पेश करता है वो मख्ता कहलाता है। गजल में काफिया वो रदीफ का इल्तजाम किया जाता है। गजल गैर मुरद्दिफ भी लिखी जाती है। अजीज तलबा व तालिबात, आइए अब हम इन मौजूआत के एतबार से गजल को समझते हैं। उम्मीद के उनवानात आपने अपने पास नोट कर लिए होंगे ताकि मैं अगर इसको मेट भी दूं तो आगे की गुफ्तगु आप तक पहुंचती रहे और उनवानात पर हम बात करते रहे। हमने ये तो देख लिया कि गजल का शेर मौजूआत के एतबार से मुकम्मल का ही होता है, ये बात तो हमारे सामने आ गई। अब देखिए गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, यानी किसी भी असनाफ शेरी की इब्तिदा जिस शेर से होती है वो तो मतला कहलाती है, लेकिन गजल के पहले शेर मतला कहलाना, गजल के पहले शेर का मतला कहलाने का मतलब क्या है? हाँ, गजल का वो शेर जो हम काफिया और हमरदीफ हो वो मतला कहलाता है। जैसे यहां पर मैं एक गजल का शेर लिखता हूं, आपको काफिया रदीफ समझाने में भी आसानी हो जाएगी और मतला और उसने मतला भी समझाने में भी आसानी हो जाएगी, मख्ता भी समझाने में, ये सारे उनवानात इंशाअल्लाह उसके एतबार से क्लियर हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर की एक मकबूल गजल है जो बहादुर शाह जफर के रंगून के कैद के दौरान बहादुर शाह जफर ने लिखी थी। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी मिल न सकी कुए यार में, बहादुर शाह जफर। ये गजल बहादुर शाह जफर की गजल है। अजीज तलबा और तालिबात, आइए इन अशार के हवाले से अब हम मतला, हुस्ने मतला, गजल में काफिया रदीफ और गजल का मख्ता, ये एक पूरी गजल की हैयत है। इस हैयत के एतबार से हम गजल को समझते हैं। हमने पहले लिखा था कि गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। पहले शेर को मतला क्यों कहते हैं? मतला के माना है तुलू होना, यानी आगाज होना, यानी गजल का आगाज जिस शेर से होता है वो शेर मतला कहलाता है। अब मतले की खसूसियत क्या है ये देखिए कि क्या देखिए, ये शेर है गजल का मतला, लगता नहीं है दिल मेरा उड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में।